बच्चों की बात आती है तो हम रिलोकेट करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। रीजन ये रहता है, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें अच्छे डे केयर्स नहीं मिलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर प्री स्कूल्स नहीं मिलते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं बच्चे तो फिर हमें इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं मिलते हैं, बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हमें कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। बट इस हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। आज का सैंपल फ्लैट आप में से बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाला है और इसके पसंद आने के रीजन भी बहुत सारे हैं। सबसे पहले ये सैंपल फ्लैट एक्चुअल बिल्डिंग के अंदर है, दूसरा ये प्रोजेक्ट नियरिंग पोजीशन में है और जो इसकी लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, प्लस जो इसका लेआउट रहने वाला है वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए इनके बारे में हम बात ही बात करेंगे। एक बार हम फ्लैट के अंदर जाते हैं, फ्लैट में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको फ्लैट के बाहर इस तरह से एंट्रेंस लॉबी मिलने वाली है और जो ये वाइड है ये ऑलमोस्ट 5.5 से 6 फीट चौड़ी है, तो आप यहाँ पर भी शू रैक लगा सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर भी शू रैक लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस वॉल पर भी शू रैक लगा सकते हैं। और जब आप अपना डोर ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कोई सामने फ्लैट नहीं मिलने वाला है, तो किसी का सामने सामने डोर नहीं आएगा, तो सबको यहाँ पर बहुत अच्छी प्राइवेसी मिलने वाली है। तो फिर चलिए हम एक बार फ्लैट के अंदर चलते हैं। और जैसे ही हम फ्लैट के अंदर आते हैं यहाँ पर आ जाता है इसका लिविंग रूम। लिविंग रूम में हमें बहुत अच्छी स्पेस मिल जाती है इस तरह से एल शेप का सोफा लगाने के लिए, और आप सामने वाली वॉल को देख रहे होंगे, आपको बहुत बड़ी वॉल मिल जाती है तो आप यहाँ पर बड़े से बड़ा टीवी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं तो आप छोटा मोटा फंक्शन इस लिविंग रूम में कर सकते हैं, बिकॉज ये लिविंग रूम काफी स्पेशियस है। प्लस अगर आप कोई बड़ी पार्टी करना चाहते हैं, अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट में आपको 30+ एमिनिटीज मिल जाती हैं। आपको यहाँ पर वेटिंग लाउंजेस मिल जाते हैं, पार्टी लॉन मिल जाते हैं, यहाँ पर किड्स प्ले एरिया मिल जाता है और भी बहुत सारी एमिनिटीज, और सारी की सारी एमिनिटीज कवर्ड रहने वाली हैं। सारी एमिनिटीज पोडियम लेवल पर रहेंगी और डबल हाइट का यहाँ पर पोडियम है, तो आपका पोडियम आप 12 महीने यूज कर सकते हो, बिकॉज पुणे में बारिश 4-5 महीने चलती है, तो उस टाइम पे हम अपने बच्चों को नीचे नहीं लेकर जा पाते हैं, बट यहाँ पर आप अपने बच्चों को 12 महीने नीचे लेके जा सकते हो। आप भी एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ में और आपके बच्चे भी एंजॉय करेंगे इस प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज यहाँ पर मिलेंगी। लिविंग रूम के साथ में ही आ जाता है टेरेस, और जब लिविंग रूम के साथ में टेरेस होता है तो इससे हमारा लिविंग रूम काफी स्पेशियस दिखता है। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं और आप इस तरह से पूरे टेरेस का डोर ओपन करते हैं तो बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा वेंटिलेशन मिलता है। और जो ये प्रोजेक्ट है ये तथावड़े में है, इस प्रोजेक्ट के आगे आपको पुणे मुंबई हाईवे मिलने वाला है, तो अगर आप ऊपर का फ्लैट लोगे तो आपको यहाँ पर ओपन व्यू मिलेगा और बहुत ही अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन भी मिलेगा। और एक और चीज आपको इस फ्लैट की पसंद आने वाली है, आपको ऊपर यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है एसी का आउटडोर यूनिट लगाने के लिए, और ये बालकनी काफी अच्छी है, ये फुल लेंथ की बालकनी है, तो आप यहाँ पर प्यारा सा सिटिंग एरिया भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इसे देख लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं किचन की तरफ। तो लिविंग रूम के साथ में इस तरफ आ जाती है किचन, किचन में इसी तरफ हमें स्पेस में जाती है डाइनिंग टेबल लगाने के लिए, तो आप चाहे तो इस तरह से डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं और आराम से यहाँ पर 4 लोग एक साथ कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको यहाँ पर डाइनिंग टेबल नहीं लगाना है तो आप इस वॉल पर बहुत सारे पॉजिटिव फ्रेम्स लगा सकते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा स्टूल रख सकते हैं, और जैसे आपने देखा होगा कैफे में वो हाई चेयर रहती है तो आप चाहे तो वो यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये एरिया आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखेगा, प्लस आपको यहाँ पर बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगे। किचन में हमें मिल जाता है एल शेप का प्लेटफॉर्म, साथ में ही आ जाता है टेरेस, तो किचन में जब आपको ग्रोसरीज लेनी होगी तो आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज कॉलेज के आसपास बहुत सारे शॉप्स आ जाती हैं, तो आप ग्रोसरी वहीं से बाय कर सकते हो। प्लस अगर आप डीमार्ट से ग्रोसरी बाय करते हो तो आपको 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में 2 डीमार्ट भी मिल जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट मिल जाता है। और
किचन के साथ में जो ड्राई टेरेस है वो बाहर की तरफ है, तो जब बाहर की तरफ ड्राई टेरेस रहता है तो हमें ज्यादा स्पेस मिल जाती है यूटिलाइज करने के लिए। और जो आप ये डोर देख रहे हैं आपको एक्चुअल फ्लैट में इसी तरह से डोर मिलने वाले हैं, प्लस आपको ऊपर स्पेस भी मिल जाती है एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए। और अभी आपको ये क्लोज दिख रही है बालकनी, बट ये दो साइड से ओपन रहेगी तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा वेंटिलेशन भी मिलेगा। आप इसे देख लीजिए, फिर हम किड्स बेडरूम की तरफ चलते हैं। आपको एक और चीज बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, इसका जो किड्स बेडरूम है वो मेरे लेफ्ट साइड में है और जो इसका मास्टर बेडरूम रहने वाला है वो मेरे राइट साइड में है, और इन दोनों में बहुत अच्छा डिस्टेंस मिल जाता है बिकॉज बीच में आ जाता है लिविंग रूम। और इस लेआउट को कहते हैं हम बटरफ्लाई लेआउट, जो आपको बहुत कम प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। और जब रूम में इतना ज्यादा डिस्टेंस रहता है तो हमें हर तरफ से प्राइवेसी मिलती है, आपके बच्चों को प्राइवेसी मिलती है और आपको भी प्राइवेसी मिलती है। तो आ जाइए किड्स बेडरूम की तरफ। और किड्स बेडरूम में हमें इस तरफ जगह मिल जाती है बेड लगाने के लिए, किड्स बेडरूम में आपको ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है तो आप चाहे तो यहाँ पर बड़ा सा कवर डिजाइन कर सकते हैं, प्लस नहीं तो आप इस तरह से स्टडी टेबल डिजाइन कर सकते हैं, प्लस ऊपर बुक्स रख सकते हैं। तो ये एरिया भी बहुत ज्यादा स्टैंड आउट कर रहा है बिकॉज इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है। और इस तरफ भी हमें फुल वॉल मिल जाती है यूटिलाइज करने के लिए, अगर आप वहां पर कवर नहीं डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस तरफ कवर डिजाइन कर लेंगे। और जब बच्चों की बात आती है तो हम रीलोकेट करने से बहुत ज्यादा घबराते हैं, रीजन ये रहता है जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें अच्छे डे केयर्स नहीं मिलते हैं, थोड़े बड़े होते हैं तो फिर प्री स्कूल्स नहीं मिलते हैं, थोड़े और बड़े होते हैं बच्चे तो फिर हमें इंटरनेशनल स्कूल्स नहीं मिलते हैं, बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो फिर हमें कॉलेजेस नहीं मिलते हैं। बट इस प्रोजेक्ट की लोकेशन इतनी अच्छी है कि आपको यहाँ पर डे केयर, प्री स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेजेस के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और बड़े बड़े स्कूल और कॉलेजेस यहाँ पर हैं। तो आप एक बार जब इस प्रोजेक्ट में फ्लैट लेंगे तो आपको बार बार फ्लैट शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे एक बार देखते हुए मास्टर बेडरूम की तरफ आ जाइए। मास्टर बेडरूम इस तरफ है और इस तरफ आ जाता है इसका कॉमन वॉश एरिया, हमें कॉमन वॉश बेसिन मिल जाता है, और इधर आ जाता है इसका टॉयलेट। और सबसे अच्छी बात एक और आपको इस फ्लैट की पसंद आएगी कि इसमें हर फ्लैट में डीजी बैकअप रहने वाला है, तो आपको इन्वर्टर एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लाइट रहे या ना रहे उसकी प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो इसका कॉमन वॉश बेसिन है, आपको इस तरफ टाइल्स मिलने वाले हैं तो आपको क्लीनिंग करने में आसानी होगी, प्लस नीचे प्लेटफॉर्म आ जाता है तो आप थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर रख सकते हैं। जो इसका टॉयलेट है उसमें जो टाइल्स यूज किए गए हैं वो एंटी स्किड्स है, और जो वेट एरिया है वो नीचे की तरफ है तो आपका पूरा बाथरूम गीला नहीं रहेगा, प्लस बाथरूम में भी आपको फुल लेंथ के टाइल्स मिलेंगे और ऊपर सीलिंग का वर्क मिलेगा, तो इसकी वजह से आपको बाथरूम की क्लीनिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी। और इस तरफ आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम काफी स्पेशियस है, आप यहाँ पर एक बड़ा सा बेड लगा सकते हैं, प्लस आप देख रहे होंगे कि फिर भी हमें कितनी सारी स्पेस मिली है मूवमेंट करने के लिए। आप इस वॉल पर डिजाइन कर सकते हैं एक बड़ा सा कवर, चाहे तो आप यहाँ पर अपना ड्रेसिंग टेबल भी लगा सकते हैं। वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है बिकॉज आपको यहाँ पर काफी वाइड विंडो मिल जाती है, और साथ में ही आ जाता है टॉयलेट। जो इस वॉशरूम का बेड एरिया है वो नीचे की तरफ है, प्लस यहाँ पर भी जो टाइल्स यूज किए गए हैं उनका टेक्सचर बहुत अच्छा है, और नीचे की टाइल्स एंटी स्किड रहने वाले हैं तो फिर गिरने का डर भी नहीं है, प्लस ऊपर जो आप सीलिंग का वर्क देखेंगे वो भी आपको मिलने वाला है। जो भी यहाँ पर फिटिंग्स यूज किए गए हैं वो सारे के सारे प्रीमियम फिटिंग्स है, तो आप इस वॉशरूम को एक बार देखते हुए आ जाइए। आप बात करें
करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स की। ये प्रोजेक्ट आ जाता है कथावड़े में और यहाँ से पूना मुंबई हाईवे से वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पर है। तो चाहे आपका ऑफिस हिंजेवाड़ी में हो, चाहे आपका ऑफिस चाकन की तरफ हो, आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है दोनों एरिया से। और अगर आपके घर पे पेरेंट्स भी आपके साथ में रहते हैं तो आपको हॉस्पिटल्स के लिए भी ज्यादा दूर नहीं भागना पड़ेगा, बिकॉज आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये प्रोजेक्ट फैला हुआ है 8 एकड़ में और टोटल यहाँ पर 12 टावर रहने वाले हैं और एक फ्लोर पर आपको 8 फ्लैट मिलेंगे। लेकिन फ्लैट में काफी डिस्टेंस है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक फ्लोर पर इतने सारे फ्लैट्स हैं। उसके बाद भी आपको बहुत अच्छी प्राइवेसी यहाँ पर मिल जाती है। जो यहाँ पर कार्पेट एरिया शुरू होता है वो है 654 से 730 तक। जो यहाँ पर प्राइसिंग शुरू होती है वो है 62 लाख से 69 लाख रुपीस। और इस प्रोजेक्ट का लेआउट बहुत ज्यादा अच्छा है तो यहाँ पर इन्वेंट्री इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको ये फ्लैट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है तो आप साइट विजिट के लिए आ सकते हैं। अगर आप डिले करेंगे, आप 1 महीने के बाद आएंगे तो इन्वेंट्री इतनी कम है कि आपको आपकी चॉइस का फ्लैट नहीं मिलेगा। और प्लस चांसेस हैं कि फ्यूचर में जाके प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाए, बिकॉज रियल स्टेट की कोई गारंटी नहीं होती है यहाँ पर, तो रात प्राइस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की साइट विजिट, या आप चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की और भी ज्यादा अधिक जानकारी, या आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस तरह की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो भी आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके सारे सवालों के जवाब। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।